हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार हूँ और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग एक्सपर्ट में स्वागत करता हूँ। तो लास्ट हफ्ते IBBS क्लर्क का रिजल्ट निकला था और उसके रिजल्ट के बाद थोड़ा मेरा भी मूड थोड़ा ऑफ हो गया, जिसमें मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाया उसके बाद। लेकिन आज अभी स्कोर कार्ड निकला है और स्कोर कार्ड देख के मुझे काफ़ी सही लग रहा है, क्योंकि सही इसलिए लग रहा है कि मैं उड़ीसा स्टेट में बिलोंग करता हूँ और मैंने 87 अटैम्प्ट्स किए थे टोटली, और उड़ीसा में कट ऑफ गया है 87.5। तो मुझे पहले लगा था कि हाँ नॉर्मलाइजेशन की वजह से या फिर इधर उधर हो गया, स्कोर थोड़ा नहीं रहा, लेकिन मैंने जितना अटेम्प्ट किया उससे ज़्यादा कट ऑफ गया, तो इसलिए मुझे अभी दुख नहीं लग रहा। मुझे पहले दुख लग रहा था कि हाँ शायद नॉर्मलाइजेशन से मेरा काम मार्क्स कम हो गए, ऐसा लग रहा था मुझे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा स्कोर है 83.5, ठीक है, कट ऑफ गया है 87.5 उड़ीसा में और मेरा स्कोर रहा है 83.5। सो मुझे कुछ दुख नहीं लग रहा, तो मुझे पहले लगा था कि हाँ मेरा हो सकता था लेकिन नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा काम हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ बहुत हाई गए हैं 87.5, शायद बहुत सारे बच्चों का उड़ीसा में नहीं हुआ होगा इसके वजह से। उड़ीसा में वैकेंसीज बहुत कम था, 60-60 वैकेंसीज थे जनरल के लिए। और बस वही, आपका कौन सा स्टेट है और आपके स्टेट में कितना कट ऑफ गया आप जरूर कमेंट से बताइएगा। मुझे पहले दुख लग रहा था बहुत, लेकिन अभी नहीं लग रहा। मेरा अगर पूरा स्कोर बोल दूँ तो मेरा एप्टीट्यूड में है 30 और इंग्लिश में है 27.75। ये मेरा स्कोर कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये इंग्लिश में है 27.75, आफ्टी में है 30 और रीजनिंग में है 25.25 की 50 ऐसा कुछ है, ठीक है। और आप लोगों का क्या कितना स्कोर है आप जरूर कमेंट से बताइएगा। और लास्ट ईयर मैंने स्कोर किया था 74.5, शायद इस बार स्कोर हुआ है 83.5। तो होपफुली मैंने जितना अटेम्प्ट किया था उस हिसाब से स्कोर आए हैं, लेकिन कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। आप लोगों का कितना मार्क आया आप जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा, कितना अटेम्प्ट किया था, कितना मार्क आया आपका, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय जगन्नाथ। और IBPS PO के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और RIBPO का भी एग्जाम है, शायद मेंस का एग्जाम है, और IBPS क्लर्क का भी एग्जाम है मेंस का, तो उसके लिए भी आप सबको ऑल द बेस्ट, ठीक है। मैं अभी भी तो अपना IBPS PO के लिए प्रीलिम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे, ठीक है। सबको ऑल द बेस्ट, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं एक्चुअली डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहता था, लेकिन वो इसे IBPS क्लर्क रिजल्ट के लिए मुझे थोड़ा मूड ऑफ है, इसलिए मूड ऑफ हो गया इसलिए नहीं और अपलोड किया। लेकिन अब से मैं सोच रहा हूँ कि वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करूँ। तो अगर आप अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय जगन्नाथ।